Hello class 11th. In this video we will discuss about the topic taxonomy. In previous video जैसे कि हमें पता था कि हम पढ़ रहे हैं about the diversity in living world. In previous classes हमने discuss किया है कि जो diversity है यानी कि जो living world है. See first topic जो था हमारा कि what is living, जिसमें हमने discuss कर लिया था कि जो living and non-living है उनके बीच में जो difference होता है, राइट, जो नॉन लिविंग है होते हैं एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, देयर आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, मतलब जो ग्रोथ करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रॉपर क्वालिटी है वो लिविंग बींग्स में ही होता है. आफ्टर दैट सम अदर कैरेक्टर्स लाइक रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस एंड ऑल्सो दे हैव अ डेफिनेट बॉडी एंड डेफिनेट शेप. दीज ऑल आर द जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स. वी डिस्कस अबाउट दैट एंड फर्स्ट टॉप जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. जैसे मैंने आपको बताया था बिकॉज इन प्रीवियस क्लास, कल जो क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको बताया था बेटा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. बिकॉज जो हमारे अर्थ है या फिर प्लानट है, यहाँ पर इतने सारे इंसेक्ट और इतने सारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है. बहुत डिफरेंस होता है प्लांट्स में एंड एनिमल्स में. एंड अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट. सो देयर इज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी दैट प्रेजेंट ऑन अ अर्थ. सो इट्स नॉट वेरी इजी टू डिस्कस ऑल द थिंग्स टुगेदर, सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ पाना या हर एक प्लांट या हर एक एनिमल का एक अलग अलग जाके उसकी स्टडी कर पाना इज़ नॉट ईजी. बिकॉज 1.7 टू 1.8 मिलियंस प्लांट्स को अगर हम पढ़ना भी चाहेंगे सो बहुत ईजिली हर एक प्लांट की एक अलग अलग तरीके से स्टडी हम नहीं कर सकते हैं. सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रोसेस जो एक टर्म था दैट इज़ द नोमेनक्लेचर, उसको स्टार्ट किया गया. एंड नोमेनक्लेचर के थ्रू हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया, एक पर्टिकुलर नेम दिया गया, जिससे क्या हुआ कि प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन हो सका. एंड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, बिकॉज आज भी बहुत ऐसा होता है कि बेटा हर बार एक न्यू स्पीसीज मिल जाती है, एक न्यू प्लांट या एनिमल मिलते हैं जिनको और अच्छे से समझने के लिए उनका एक नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है, ताकि हर प्लांट को, उनके ऑर्डर को, उनके ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझा जा सके. एंड आफ्टर दैट जो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर है जो कि स्टार्ट किया गया, जिसमें एक जेनरिक नेम होता है एंड देन स्पेसिफिक इक्विफ्लेक्टिव वहाँ पे होता है, एंड जेनरा एंड स्पेसीज के अकॉर्डिंग वहाँ पर उन्हें एक प्रॉपर नेम दिया गया था, और जो कि ये दिया था कैरोलस लिनियस ने. इस जिनमें कुछ रूल्स थे जिनका यूज़ करके आप किसी भी प्लांट या एनिमल्स को एक साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम्स उन्हें हम दे सकते हैं. जिसमें पहले फर्स्ट बताया था कि फर्स्ट जो भी थिंग्स हैं आपको लैटिन में लिखनी है, लैटिन लैंग्वेज में लिखनी होती है, एंड दूसरा थोड़ी सी जो लैंग्वेज वो हल्का सा टिल्ट उसको लिखते हैं, यानी इलेटिक्स फॉर्म जो होता है उसके अंदर उसे लिखा जाता है. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं सो उसमें दो वर्ड्स लिखे जाते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को दिखाता है, एंड द सेकंड वर्ड वो है वो स्पीसीज को डिनोट करता है. एंड वाइल जब भी हम उसे हैंड राइटिंग में लिखें या फिर पेपर कॉपी पर, जैसे आप अभी लिख रहे हो, तो ऑलवेज उनके नीचे आपको एक अंडरलाइन पुट करनी चाहिए. एंड आदर द प्रिंटेड, जब भी प्रिंटेड फॉर्म है तो वो एक इटैलिक्स फॉर्म में वहाँ पर ऑफकोर्स दिया होना चाहिए. एंड ऑफकोर्स वो कैसा होना चाहिए, लैटिन ओरिजिन में होना. जैसे कि लास्ट वर्ड इन्होंने यहाँ बताया, अभी ये लास्ट जो पॉइंट है उनमें ये बताया कि जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल होगा, और जो स्पीसीज़ है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए. जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंगीफेरा में एम है, ये जो मैंगीफेरा यहाँ पे जीनस को दिखा रहा है, एंड मैंगीफेरा का जो एम है वो कैपिटल है. एंड वही इंडिका जो उसके बगल में लिखा है, इंडिका दैट इज़ द स्पीसीज, एंड उसका जो लेटर है वो आई जो कि फर्स्ट लेटर है वो क्या है, स्मॉल लिखा हुआ है. ठीक, सो यह इतनी चीज़ें बताने के बाद मैंने आपको बताया था कि बिकॉज जब क्लासिफिकेशन हो गया, सॉरी नोमेनक्लेचर हो गया, तो नोमेनक्लेचर के थ्रू क्लासिफिकेशन कर पाना बहुत इजी हो गया. बिकॉज जैसे जैसे नोमेनक्लेचर हुआ तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर्स जो बहुत मिल रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया, उनको ग्रुप वाइज, उनको कैटेगरीज वाइज कैटेगराइज किया गया, ताकि हर एक प्लांट को, हर एक स्पीसीज को
हर एक एनिमल्स को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके एंड उनको उनकी स्टडी को भी हम बहुत अच्छे से इजीली एक ग्रुप फॉर्म में स्टडी को हम पढ़ सकें। बिकॉज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा कि हम जो स्कूल है हमारे पास वहाँ पर हम बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास, अगर एग्जांपल लें कि क्लास फर्स्ट है एंड क्लास फर्स्ट में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड जो जितने भी बच्चे हैं वो सब अपनी अपनी एक क्वालिटी लेकर वहाँ पे हैं, राइट। तो वैसे ही एक क्लासिफिकेशन में, एक बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में, एक बहुत बड़ी फैमिली में इनका डिफ्रेंशिएशन किया गया, जिसमें सिमिलैरिटी शो हो रही थी, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ भी होंगी तो उन्हें एक साथ रखा गया एंड देन तो उससे क्या हो गया, एक फाइलम बन गया, एक किंगडम बन गया। अब एक एक किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि एक किंगडम में अगर 40-30 प्लांट्स हैं तो अब हर एक प्लांट की कुछ कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ जो उन्हें हर दूसरे प्लांट से अलग करती हैं उनको आगे फर्दर प्रोसीड किया गया, राइट। तो इससे क्या हुआ बेटा कि क्लासिफिकेशन कर देने से कुछ हेल्प मिली जिससे कि प्लांट्स को और एनिमल्स को ईजिली समझा जा सके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ईजिली पढ़ा जा सके, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे डॉग्स एंड कैट, ये मैमल्स के अंदर आते हैं, वीट, राइस, प्लांट, बहुत सारी ये सब कार्निवोरस चीज़ें, हर्बीवोरस चीज़ें, ये सारी चीज़ों को एक इंक्लूड करके एक कैटेगरीज वाइज जब उसका हम स्टडी करते हैं तो इन कैटेगरीज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, द साइंटिफिक टर्म ऑफ द कैटेगरीज। बिकॉज जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उनमें हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं और उन कैटेगरीज का जो साइंटिफिक वर्ड है वो है टैक्सा। एंड जब हम इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि टैक्सा के अंदर हैं या टैक्सा में क्लासिफाइड किए हैं, उन सारे फिनोमिनन का एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन टू टैक्सा, टैक्सा में क्लासीफाई किए एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एंड जो वो प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया है, प्रॉपर हर एक कैरेक्टर, हर एक पॉइंट को बेस ध्यान में रखते हुए उनका क्लासिफिकेशन किया गया, दैट्स कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। एंड इस टैक्सोनॉमी में एक्सटर्नल, इंटरनल एंड अराउंड द सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रॉपर कैटेगराइज उनको किया जाता है। सो जब क्लासिफिकेशन किया जाए और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में, तो उसे हम उस पूरी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। सो आफ्टर दैट इन्होंने कुछ और अर्लियर चीज़ें बताई हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनके बारे में जैसे जैसे हमें और पता चलता गया तो उनको और बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया। सो दैट्स ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो फर्स्ट अभी मैंने बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सा या फिर डिफरेंट ग्रुप्स जो टैक्सा में डिवाइड किए गए उसके अकॉर्डिंग एक टैक्सोनॉमी की जाती है। सो जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उन टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट के अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द कैटेगरीज इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट एंड इट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो देर आर सो मैनी कैटेगरीज जिन कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया गया है एंड उन कैटेगरीज के अंदर जो प्रॉपर टैक्सोनॉमी है उसके एक एक टर्म को वो लोग यूज़ करते हैं। सो जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाता है एंड इन कैटेगरीज के अंदर भी बहुत सारे रैंक हैं। एंड जो यहाँ पे बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, कि जो कैटेगरीज हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस डिसाइड किया गया है एंड उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सो जब हम कैटेगरीज को एक प्रॉपर टैक्सोनॉमी जो है उसको हम अरेंज करते हैं प्रॉपर, तो उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। और इन सारी कैटेगरीज में जो यूनिक सब यूनिट्स बनाई गई हैं, जो सब थिंग्स है जिनमें अंदर सब यूनिट्स के अंदर उनको धीरे 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 क्लासीफाई किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। और हर एक कैटेगरी में कुछ यूनिट्स हैं जो स्मॉल स्मॉल सी यूनिट हैं जिन्हें हम टैक्सॉन बोलते हैं, जो कि लिखा है अ रैंक इज कॉमनली टर्म एज एक्सॉन, सॉरी टैक्सॉन। सो जो हम जैसे जैसे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं एंड जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उन कैटेगरीज का जो नॉर्मल टर्म है उन्हें हम टैक्सॉन बोलते हैं एंड उन कैटेगरीज यानी कि जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि क्लास, फाइलम,
स्पीसीज, जनरा, अगर हम सिर्फ क्लास और फाइलम के बारे में डिस्कस करें तो हम एक टैक्सोन पढ़ रहे हैं, पर अगर हम क्लास, फाइलम, जनरा, स्पीसीज सबको एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे क्लास, फाइलम, बहुत सारे अलग अलग थिंग्स को अगर हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं। ओके सो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे एक कॉमन फीचर्स के बारे में बताया है, जैसे थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग। सो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल था जिसमें आपको बताया जा रहा है कि एक इंसेक्टा एक ग्रुप होता है, एक बहुत बड़ा सा क्लास है, जिसमें क्या किया गया है कि बहुत ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है जिनमें थ्री पेयर्स लेग होते हैं। तो आपको बात समझ में आई, अब थ्री पेयर लेग्स किस में होते हैं? थ्री पेयर लेग्स तो आंट में भी हो सकते हैं, थ्री पेयर लेग्स आपके कॉकरोच में भी होते हैं, एंड जो हाउस फ्लाई होती है उसमें भी होते हैं, तो थ्री पेयर लेग्स तो बहुत सारे में होते हैं। तो उन सब को क्या किया जाता है, इन इंसेक्टा में इंक्लूड करके रखा जाता है। बट क्या आप खुद सोचो बेटा कि जो हाउस फ्लाई है एंड जो कॉकरोच होता है उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, प्रॉपर पूरी तरीके से वो एक दूसरे के सिमिलर हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिकॉज जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनमें चेंज होता है, बट हम जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है यानी कि आउटर स्ट्रक्चर जो बाहर से आपको देखने पे फील होता है वो वही सारी चीज़ है। बिकॉज जो हाउस फ्लाई है उसमें भी विंग्स होते हैं एंड जो कॉकरोच है उसमें भी विंग्स होते हैं। हाउस फ्लाई ऑल्सो हैव अ थ्री पेयर्स ऑफ लेग एंड जो कॉकरोच है उसमें भी थ्री पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। हाउस तो कंपाउंड आईज भी दोनों के पास है। तो ये सारी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से उनको एक लार्ज बिग ग्रुप ने क्लासिफाई किया है वो है इंसेक्टा। बट धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वो और क्लियर करता जाते हैं और स्पेसिफाई करता जाता है। एंड जो यही स्पेसिफाइफिकेशन है जिसमें आप जैसे धीरे धीरे उसे कैटेगराइज करते जा रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई जो कि है वो क्या है, हमारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो इन ये सारी जो टैक्सा है यहाँ पर, जिस टैक्सॉन है यहाँ पर, एंड इन्हीं में हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में कैटेगराइज करते जाते हैं। ठीक है, लेट मी आई विल वांट टू शो अ पिक्चर। सी लाइक दिस, जो ये ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें पहले स्पीसीज होती है, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम। सी सो सबसे जो स्मॉल यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है वो जो कि जहाँ से क्लासिफिकेशन का मेन टर्म उतार होता है वो है आपकी स्पीसीज, द स्मॉलेस्ट यूनिट। एंड जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट यूनिट है या लार्जेस्ट यूनिट है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हो यानी कि स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जब मूव करना स्टार्ट करते हैं तो जो डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, यानी कि हम स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ मूव करना स्टार्ट होते हैं तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होती जाती हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे वो स्पीसीज में होते हैं, और जैसे 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 आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं या फिर कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। बिकॉज बट किंगडम क्या है, किंगडम एक बहुत बड़ा सा लार्ज ग्रुप है, और उस किंगडम में मेनली दो ही आते हैं, या तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे, और प्लांट्स में जितने प्लांट किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे, राइट। सो सिमिलैरिटीज ऊपर की तरफ जाते जाते कम होती जाती है। एंड जैसे अगर आप वही अगर ऊपर से पढ़ो, यानी कि अगर आप किंगडम से स्टार्ट करें, अगर आप किंगडम से स्टार्ट करते हैं तो अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो जो सिमिलैरिटीज है वो धीरे 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 क्या होती है, बढ़ती जाती है। ओके सो अब हम एक एक करके इन सारे क्लासेस को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्पीसीज। ओके स्पीसीज जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ओके एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो होता है, हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग स्पीसीज होती है जिसमें जो उसकी फंडामेंटल सिमिलैरिटी, मतलब वो ऐसी सिमिलैरिटी जो सिर्फ उसके अंदर ही है, ना तो उसके अदर जो फैमिली है ना वो उसमें है एंड ना किसी और में, सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात की है कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और उसमें जो उसकी फंडामेंटल, जो उसकी बेसिक सिमिलैरिटी जिसकी वजह से वो एक अलग एनिमल है उसको हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। एंड ऑल्सो जो
यहाँ पर जो स्पीसीज होती हैं ऑफकोर्स उनका दूसरे स्पीसीज के साथ मार्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है। मार्फोलॉजिकल डिफरेंस मतलब वो बाहर से देखने में भी आपको उसमें से प्रॉपर डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि लॉयन एंड टाइगर, सो अगर आप लॉयन देखें एंड टाइगर देखें, सो है तो दोनों ही पैंथरा ग्रुप को बिलोंग करते हैं, पैंथर से पैंथरा ग्रुप को बिलोंग करें, बट अगर आप उसे बाहर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा दैट इज़ लाइगन एंड दैट इज़ टाइगर, राइट। तो वैसे ही स्पीसीज में होता है कि हर एक एनिमल या हर एक प्लांट की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको वो अलग रखते हैं और उसे वो स्पीसीज के अंदर रखते हैं। सी यहाँ पे कुछ अदर एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम जो कि पोटैटो है, पैंथरा लियो। अगर आप इन चीज़ों को तीनों को यहाँ पर ध्यान से देखें तो उसमें जो इंडिका ट्यूबरसम और जो लियो वर्ड है, यानी कि जो सेकंड वर्ड तीनों में ही लिखा हुआ है, वो क्या है? स्पीसीज। मैंने कल भी आपको बताया था कि दो वर्ड्स होते हैं जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो दो वर्ड्स होते हैं, एक फर्स्ट वर्ड जैसे कि मैंगीफेरा और एक इंडिका। तो फर्स्ट वर्ड क्या था? वो जीनस को दिखाता है एंड जो लास्ट वर्ड होता है वो स्पीसीज को दिखाता है। यहाँ पर भी ट्यूबरसम ये स्पीसीज दिखा रहा है, लियो इज़ ऑल्सो द स्पीसीज, ओके। वहीं अगर हम फर्स्ट वर्ड को डिस्कस करें, यानी कि अगर हम मैंगीफेरा को डिस्कस करते हैं या सोलनम को डिस्कस करें या पैंथरा, तो ये एक बड़ा ऑर्डर है, बिकॉज ये क्या है? ये जीनस है, यहाँ पर स्पीसीज नहीं है, जीनस है। एंड जीनस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे जैसे पैंथरा टाइग्रिस भी होता है, टिग्रस भी होता है पैंथरा, ठीक है। पैंथरा हैव अनदर स्पेसिफिक, जैसे टाइग्रस, टिग्रस क्या होता है बेटा? टिग्रस टाइगर के लिए होता है। तो अगर पैंथरा टिग्रेस लिखा हुआ है तो वो टाइगर को बिलोंग कर रहा है, और अगर पैंथरा लियो लिखा हुआ है तो वो लॉयन के लिए। तो जो ये लियो वर्ड है, जो लियो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लॉयन के लिए बिलोंग होता है, लॉयन के ही इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को बता रहा है। इसलिए वो ग्रुप या वो नेम जिससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक इंडिविजुअल फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझ में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीसीज। एंड स्पीसीज आगे जाकर और फर्दर अदर जो जनरा क्लास है उनमें क्लासिफाई होता जाएगा, ठीक है, ओके। सो अगर इसके बाद उन्होंने ये बताया कि जैसे सोलनम निग्रम का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सो निग्रम जैसे यहाँ पर इन्होंने पहले बताया था, वेट, सोलनम ट्यूबरसम एक एग्जांपल लिया था, उसके अलावा सोलनम निग्रम भी होता है बेटा, सोलनम मोलनगीना भी होता है, मोलनगीना इज एग्जाम नेम ऑफ ब्रिंजल। तो सोलनम वहाँ पे सबके लिए कॉमन है, बिकॉज जो वहाँ पे जीनस है वो तो सबके लिए कॉमन है, बट स्पीसीज नेम सबके लिए अलग अलग होता है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल अपना अपना एक कैरेक्टर रखता है, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें जीनस को, जीनस क्या होते हैं? जीनस के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लॉयन के बारे में बताया कि क्या होता है वो, पैंथरन पैंथरा लियो, राइट, लेपर्ड पैंथरा पार्डस, टाइगर पैंथरा टिग्रस। तो यानी जो डिफरेंट रिलेटेड, मतलब जितने भी ऐसे स्पीसीज जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जैसे लियो पार्डस एंड टिग्रस, ये तीनों में ही कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, बिकॉज अगर आप टाइगर की बात करो, आप लेपर्ड की बात करो या लॉयन की बात करो, इन तीनों में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स तो सेम होते ही हैं ना। तो ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे स्पीसीज जो आपस में क्या कर रही हैं, सेम होती या एक जैसी होती है, या फिर जिसमें कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, उन सारी स्पीसीज को किसके अंदर रखा जाता है? जनरल जीनस के अंदर रखा जाता है। जैसे जीनस आपको यहाँ पे दिख रहा है, पैंथर पैंथर एंड पैंथर, तो ये जो पैंथर तीनों में वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये पैंथर क्या दिखाता है? ये पैंथर दिखाता है कि ये एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद जो लियो और पार्डस और टिग्रस वर्ड है, वो ये दिखाता है कि उनकी स्पीसीज अलग अलग है, बट स्पीसीज अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। कुछ जैसे यहाँ पे लिखा हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन, सो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अभी भी कॉमन हैं, इस वजह से उनको एक साथ रख दिया गया और उन्हें क्या बोलते हैं? जीनस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि पोटैटो टोमेटो और ब्रिंजल, ये भी थ्री अलग अलग स्पीसीज़ हैं, बट इन सबको ही किसके अंदर रखा जाता है? सोलनम के अंदर रखा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सोलनम मिलोगिना दैट इज़ द ब्रिंजल, एंड सोलनम लाइकोपर्स्यूनियम दैट इज़ द टोमेटो। सो लाइकोपर्स्यूनियम या फिर मोलोगिना या फिर ट्यूबरसनम, ये तीनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं, बट वो तीनों ही स्पीसीज कुछ कॉमन कैरेक्टर रखने की वजह से एक ही जीनस में आती हैं, ठीक है। तो आपको जीनस समझ में आया कि व्हाट इज जीनस? जीनस इज द रिलेटेड ग्रुप, एक स्पीसीज का ग्रुप होता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? उन स्पीसीज के बीच में कॉमन होते हैं। नेक्स्ट फैमिली, फैमिली में क्या होता है?
फैमिली में जेनरा आते हैं, कुछ ऐसे जेनरा प्रॉपर जीनस जिनके बीच में सिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिमिलैरिटीज थोड़ी सी कम होती जाएंगी, बिकॉज जैसे जैसे आप, मैंने भी आपको बताया था कि आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो वहाँ सिमिलैरिटीज थोड़ी थोड़ी कम होती जाती हैं। तो वहाँ ऐसे ही यहाँ पर होगा कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज आपको जीनस और स्पीसीज के बीच में दिख रही थी, उससे थोड़ी सी कम सिमिलैरिटीज होती है जीनस और इस फैमिली के बीच में। जैसे कि आप लिखा भी हुआ है, जीनस विल स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। सो फैमिली में, फैमिली और जीनस के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। सो फैमिली बहुत ब्रॉड लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने अभी आपको दिया, अभी तक हमने सोलनम से एग्जाम्पल ले रहे चल रहे थे, सोलनम पेटिल्यूनिया एंड धतूरा इज ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ अ सेम फैमिली, एंड ये सब सोलनेसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, बट देर आर सो मच डिफरेंस बिटवीन दैम। उसके ही अलावा जो हम अभी पैंथरा की बात कर रहे थे, पैंथरा में लॉयन टाइगर लेपर्ड तो आते ही आते हैं, ठीक है, बट इसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो किससे होती है, थोड़ी कैट से भी उसकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बट साइज़ एंड ऑल का चेंज रखें तो कैट से भी हल्का सिमिलर होता है, बट कैट एक दूसरी फैमिली में है जिसे फेलिस या फिर फेलिएडा फैमिली जो होती है, फेलिएडी फैमिली होती है उसके अंदर वो होता है। एंड ऑल्सो जो कैट एंड डॉग है, बिकॉज कैट एंड डॉग में आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ तो देखने को मिलेंगी, बट ऑल्सो यू कैन सी अ लार्ज ऑफ डिससिमिलैरिटी, डिफरेंस भी आपको उसमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई जो कैट्स होते हैं उसे फेडिएसी फैमिली एंड जो डॉग्स होते हैं उन्हें कैंडिड फैमिली में रखा जाता है, कैंडिएसी फैमिली में रखा जाता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो थोड़ी सी अब कम हो जाती है, एंड थोड़ा सा डिससिमिलैरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग फैमिली में रखा जाता है। जिनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो होंगी उनको ऑफकोर्स एक फैमिली में रख देंगे, जैसे लॉयन टाइगर एंड लैपर्ड में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो हो रही थी तो उन्हें एक ही फैमिली में रख रहे हैं, एंड आफ्टर पैंथरा जीनस के बाद उन्हें एक फैमिली में रखते हैं। एंड ऑल्सो जो कि फैमिली कौन सी है आपकी, फेलिएडी फैमिली के अंदर उनको रखते हैं, बिकॉज जो कैट है, कैट में तो थोड़ी सिमिलैरिटी है ना, कैट भी क्या होती है वो लॉयन और टाइगर की जैसी नहीं है, मतलब जैसी है बट अभी फिर भी तब भी उसमें कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी है, तो इसी कारण उन सबको किस में रखते हैं, फेलिएडी फैमिली में भी रखा जा सकता है, बिकॉज थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज़ ओके, बट तब भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज जो भी शो कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग फैमिली में उन्हें रख दिया जाता है। आफ्टर दैट जो ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या होता है कि ये ऑर्डर जो है बेस्ड है कैटेगरी स्पीसीज जीनस और फैमिलीज तीनों के ही ऊपर बेस्ड होता है, एंड इन तीनों में ही जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब स्पीसीज को भी देख लें, जीनस को भी देख लें और फैमिली को भी साथ में लें, तो उसके बाद भी कुछ सिमिलैरिटीज वहाँ पे जो शो हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है। जो ऑर्डर है ऑफकोर्स वो एक हायर लेवल वाली थिंग्स यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स की बात करें, जैसे यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है कि कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस फैमिली, तो कार्निवोरा क्या होता है, कार्निवोरा एक बिग ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो क्या कर सकते हैं, कार्निवोरस इन नेचर के होते हैं, वो जो फ्लैश या मीट वगैरह खाते हैं, राइट। सो इतनी, अब आप खुद सोचो कि बहुत सारे एनिमल्स कार्निवोरा होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स कार्निवोरस इन नेचर के होते हैं, तो उन सबकी अपनी, बिकॉज उनका एक कैरेक्टर कॉमन है और वो कैरेक्टर क्या है कि वो क्या है, कार्निवोरस है, तो उनके अकॉर्डिंग उन सबको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया है। वैसे अगर जो हर्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, उन वो भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनमें, बट उनकी एक जो मेन फीचर है उनका वो क्या है कि वो हर्बीवोरस है, दैट्स व्हाई उनको एक फीचर में डिवाइड किया जाता है। तो आप समझे बात कि धीरे धीरे क्या हो रही है कि जीनस स्पीसीज एंड फैमिली तो है ही, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है ही, बट उनके अलावा एक और ओवरऑल कैरेक्टर जो सब में है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑर्डर में क्लास डिवाइड कर दिया जाता है। आफ्टर द ऑर्डर जो क्लास है, क्लास में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने प्राइमेटा के बारे में बताया है, प्रीमाटा के बारे में बताया है, माटा में होते क्या है, जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये सब क्या है, एक जो कैरेक्टर है वो है क्या है कि ये सब मैमल्स हैं, राइट। तो मैमेलिया इनका एक क्लास बना दिया जाता है, और इस मैमेलिया क्लास में, और ये सारे एक और ग्रुप, एक और चीज़ होती है क्या, ठीक है, तो ये जो कार्निवोरस इन, और ऑल्सो इनके साथ साथ
बिकॉज आपने जो मॉन्की गोरिल्ला एंड गिबन है ये भी किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, राइट, मैमिलिया वर्ड को बिल्कुल बिलोंग करते हैं। एंड इनके साथ साथ जो टाइगर कैट एंड डॉग है जो कि टोटली कार्निवोरस हैं, राइट, मॉन्की आई डोंट थिंक सो कार्निवोरस है, बट उसके अलावा जो अदर एनिमल्स हैं जो कार्निवोरस हैं, बट कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस दोनों हों, मतलब कि ऐसा एनिमल कुछ ऐसे ग्रुप्स जो में जिसमें कुछ एनिमल्स कार्निवोरस हैं और कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस हैं, एंड उन दोनों को में ही बिकॉज दोनों ही मैमल्स हैं तो दैट्स वाई उन दोनों ही ग्रुप को एक क्लास में डिवाइड किया गया जिसमें क्या है मैमिलिया क्लास होती है और जिसके अंतर्गत कार्निवोरस भी आ सकते हैं हर्बीवोरस भी आ सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिससिमिलैरिटी ज़्यादा होने लगती हैं। आफ्टर दैट फाइलम, फाइलम एक ब्रॉड लेवल है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, अलॉन्ग विथ मैमल्स, ये हाई कैटेगरी ऑफ फाइलम्स होती हैं। यही फाइलम्स हैं यहाँ पर, ये जो फाइलम हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, नोटोकॉर्ड्स होती है, उनके अकॉर्डिंग एंड द न्यूरल सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको क्लासीफाई किया जाता है कि किन किन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है, तो उन्हें उनके साथ रखा जाता है, वो एक फैमिली में अलग, और जिनमें न्यूरल सिस्टम या नोटोकॉर्ड प्रॉपर डेवलप नहीं होता उन्हें रख दिया जाता है। तो ये एक भी एक बिग फाइलम है, एक बिग रेंज है। आफ्टर दैट लास्ट दैट इज़ अ किंगडम। इस किंगडम बहुत वास्ट है, बहुत हाइएस्ट लेवल की कैटेगरी है, हाइएस्ट कैटेगरी किंगडम है, जिसमें सिंपली इन्हें टू थिंग्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट किंगडम इज एनिमिलिया और दूसरा है प्लांटी, जिसमें एनिमिलिया में अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं एंड प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स यहाँ पर डिवाइड होते हैं। तो मेनली रिफरली टू ही ग्रुप्स होते हैं, एक एनिमल एंड एक प्लांट किंगडम। तो ये आपके लिए ईजी, आप क्या किसी का किंगडम बहुत ईजिली बता सकते हो, या तो वो एनिमल होगा या तो वो प्लांट। तो ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने आपको बताई जो कि स्पीसीज से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म होती हैं आपके किंगडम में, जिसको कैटेगराइज वाई करके एक एक कैटेगराइज करते हुए हम किसी भी एनिमल्स के बारे में प्रॉपर चीज़ें जान सकते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई देगा बुक में, जिसमें हर एक चीज़ को एक अलग अलग दिखाया गया है, राइट, जैसे मैन है जिसमें होमो सेपियंस, तो सेपियंस वर्ड जो है वो यहाँ पर किसको बताता है, जो सेपियंस वर्ड है ये यहाँ पे जीनस को स्पीसीज बताता है। आगे होमो जो वर्ड है बेटा, होमो अदर्स भी कहीं जगह भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज जब ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो रहा था तो जब डेवलपमेंट होता है तो पहले इनिशियली वो अलग थे, धीरे धीरे वो डेवलप होते चले गए, एंड जो मोस्ट डेवलप है वो सेपियंस है। उसके अलावा भी और भी स्पीसीज हैं जिसमें होमोजीनियस यूज़ होता है। आफ्टर दैट होमियडी फैमिली, अभी जैसे भी मैंने आपको बताया प्राइमेटा भी इसी के ऊपर आया था, जिसमें हमने मॉन्की एंड गोरिल्ला वगैरह सबको गिबन्स को ऐड किया था, तो उसमें मैन भी उसी के अंदर आता है, बट यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस, बहुत सारे हैं हमारे उनके बीच में, बट हम उन्हीं से बने हुए हैं एंड ऑल्सो सम कैरेक्टर्स हैं जो उनसे मैच होते हैं, इसी वजह से उन्हें सेम ग्रुप में रखा गया। वहीं अगर क्लास की बात करें मैमिलिया यहाँ पे हमें भी मैमिलिया में रखा गया, मैंस भी उसी के अंदर आते हैं, एंड बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट, टाइगर, ये सब मैमिलिया के अंदर आते हैं, बिकॉज ये एक लार्ज ग्रुप है। एंड क्वाड्रेटा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग होता है, जितने भी मैमल्स होते हैं दे हैव नोटोकॉर्ड, उनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, इसलिए उन्हें क्वाड्रेटा वर्ड में यूज़ किया गया। इसके बाद यहाँ पर किंगडम होना चाहिए, तो उस किंगडम में बेटा वो क्या होता है, किंगडम के में जो हम किस किंगडम को बिलोंग कर रहे हैं, हम बिलोंग करते हैं एनिमेलिया किंगडम को। सो ये आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, और जैसे ही आप जीनस से आगे की तरफ बढ़ते हो वैसे कैरेक्टर कुछ कुछ कम होते जाते हैं, पर जो मेन कैरेक्टर है वो आपके जीनस एंड स्पीसीज से दिखाई देता है। सो प्राइमरी यूनिट बोलें, स्मॉल यूनिट बोलें, तो वो आपकी स्पीसीज होती है, एंड हाइएस्ट यूनिट बोल जाए तो वो होती है हमारी किंगडम। ओके, सो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रख रहे हैं। इस वीडियो में मैंने टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द वीडियो, आप ऑफकोर्स मुझसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड ऑल्सो ट्राई टू सर्च सम कॉमन नेम और उसका बायोलॉजिकल नेम चेक करने की, एंड ऑल्सो उसके टैक्सोनॉमिकल पूरी फैमिली को आप निकालने की कोशिश करें, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू क्लास।